पहचानो कौन? बताओ कौन? अभी तो तुम्हें पहचानना ना कि कौन? रिया। तैयार हो? हाँ जी बिल्कुल। हैप्पी बर्थडे टू लो, लो खा लो, खा लो। यार ये क्या लगा रहा है? तुम जानती हो इनको? नहीं मैं नहीं जानती, मुझे क्या मतलब कोई भी हो कोई। ये देखो कौन है। कौन है? दोस्तों लाइज खान, दोस्तों आज मेरे साथ जो बैठे हुए हैं, मैं अगर इनकी सच्चाई अगर बताने पे आऊँ तो एक बाप अपने बच्चों के लिए क्या कुछ कर सकता है आज आपको देखने को मिलेगा। अंकल एक बार अपना चेहरा दिखाना प्लीज। बचपन से 60 साल का इनका एज है तकरीबन, और ये जो कर रहे हैं दोस्तों मैं बताऊं तो बहुत बड़ी बात है। और प्लीज़ रिक्वेस्ट कर रहा हूं, इस वीडियो को आप, मैं कभी बोलता नहीं हूं, इस वीडियो को आप अंत तक देखना, लास्ट तक देखना भाई, ज़िंदगी जीने का तरीका मालूम चलेगा इस वीडियो से आपको। ये इंसान अपने बच्चों के लिए आज ये जोकर बनके लोगों को जाकर हंसाता है, कुछ रुपए वहाँ से आ जाते हैं ताकि इसका घर खर्च निकल पाए। ये साथ में जो बैठे हुए हैं इनका नाम अमित है। अमित भाई क्या बात है और क्या, कौन है ये, रिश्ता क्या है और क्या जरूरी पड़ गया ये वीडियो बनाने का, बताइए पहले, क्लियर कीजिए प्लीज़। बिल्कुल बताना चाहूँगा। पहले तो दानिश भाई मैं आपको थैंक यू बोलता हूँ, मैंने आपकी वीडियो देखी तो मैंने सोचा आपसे कॉन्टेक्ट करा जाए। तो मैं किसी को एहसास दिलाना चाहता हूँ उसकी असलियत की, कि हम जो कर रहे हैं झूठ फरेब से नहीं चला जाता। मैं अपने बारे में बताता हूँ, मेरा नाम अमित है, मैं MNC कंपनी में एक मैनेजर की पोस्ट पे हूँ और मैं एक लड़की से प्यार करता हूँ। 4 से 5 महीने से मैं उसके साथ रिलेशनशिप में हूँ। जब सोचा कि अब रिलेशनशिप के साथ साथ हमें शादी का भी प्लान करना चाहिए, तो शादी का हमने प्लान करा, तो मैंने उन्हें बोला कि हम एक दूसरे के माँ बाप को मिलवा देते हैं, आगे आगे बात बढ़ानी। तो बहुत दिनों से टालती रही, टाला मटोली करती रही कि आज नहीं कल नहीं परसों नहीं। तो मुझे थोड़ा सा डाउट हुआ दानिश भाई, मैंने सोचा कि क्यों ना ये क्यों टाला मटोली कर रही, जब मेरे घर में सबको पता है, मेरे घर वालों को पता है, मेरे घर वाले मिलने को तैयार है, तो वो क्यों नहीं। अगर हमें शादी का प्लान कर रहे तो पूरी भविष्य का सवाल है, पूरी ज़िंदगी का सवाल है। तो मैंने थोड़ी छानबीन करी तो आस पड़ोस में पता पूछा कि उनके पिताजी गार्ड की नौकरी करते हैं। मेरा बहुत ज़्यादा दिमाग घूम गया, मैं सोचा कि उसने तो मुझे बताया कि बहुत बड़ी कंपनी में एक मैनेजर की पोस्ट पे हैं, अच्छा। बहुत अच्छे। तो मुझे थोड़ा और डाउट हो गया, तो मैंने थोड़ा और छानबीन करी कि उनने मुझे ऐसा कुछ बताया और ऐसा कुछ निकला नहीं आस पड़ोस से। तो मैंने छानबीन करी तो मुझे पता लगा कि ये जो शख्स बैठे हैं, ये मेरी जो गर्लफ्रेंड है, उनके पिताजी हैं, और अपना खर्चा चलाने के लिए 200-300 रुपए के लिए लोगों को एंटरटेन करते हैं, लोगों को हंसाते हैं। मुझे इनके काम से दिक्कत नहीं है, मुझे ये दिक्कत है कि वो मुझसे झूठ क्यों बोल रही है। तो मैंने आपसे, आपकी वीडियो देखी, आपसे सोचा कि हम ऐसा प्लान करते कि ताकि उसको एहसास दिलाया जाए कि काम कभी कोई छोटा नहीं होता। और झूठ बोल के वो अपनी बेइज्जती नहीं कर रही, अपने पिताजी की बेइज्जती कर रही है कि वो मेहनत करके कैसे अपना घर चला रहे हैं। तो इसलिए भाई मैं आपसे मिला और मैं बस चाहता हूँ कि आप उसको एहसास दिलाओ कि काम कोई छोटा नहीं होता और झूठ फरेब से आगे रिश्ते नहीं बनाए जाते, रिश्तों में खटास आती है। तो दानिश भाई आप उनसे बात करें। जी अंकल, आप ये चीज़ बताइए कि मतलब ये चीज़ कब से आप कर रहे हैं, ये क्या है, और आपकी जो बेटी है वो मतलब क्या चीज़, थोड़ा सा अपनी चीज़ों को बताइएगा अपने बारे में। मेरा नाम परमवीर है, मेरी उम्र 60 साल है। मैं किसी टाइम पे कंपनी में गार्ड की नौकरी करता था, लेकिन उम्र ज़्यादा होने की वजह से रिटायर कर दिया उन्होंने। अब घर का खर्चा चलाने के लिए, बच्चे की पढ़ाई, उसकी शादी के लिए
मैं ये जोकर बन के लोगों को हंसाता हूँ, रोज के 200-300-400 रुपए जो मिल जाते हैं उसी से, लेकिन मेरी बेटी को भी नहीं पता मैं ये काम करता हूँ। अगर मैंने उसको, उसके सपने बहुत ऊंचे हैं, बहुत ऊंचे सपने हैं उसके, अगर मैंने उसको बता दिया या उसको पता लग गया कि मैं गार्ड की नौकरी नहीं करता, मैं जोकर बन के लोगों को हंसाता हूँ, तो उसके दिल पर क्या बीतेगी। इसलिए मैंने आज तक उसे नहीं बताया, सिर्फ बच्चे की परवरिश करने के लिए, उसकी पढ़ाई के लिए, उसकी कुछ पैसे शादी में के लिए जोड़ दें। तो और काम कोई छोटा नहीं होता, वो लोगों को हंसाना इतना आसान नहीं है आज के टाइम में। यही है ना कि भाई अपने बाप के बारे में बताने में शर्म आ रही है। बताइए भाई, आप सही कह रहे हो, इसलिए आज हमने ये प्लान करा, एक कैमरा हमने साइड में लगाया, आज इसको बुलाया दानिश भाई, आज उसका जन्मदिन भी है। अच्छा। तो मैंने सोचा कि उसको आज एक पार्टी सरप्राइज प्लान करूं, यहीं उसका बर्थडे सेलिब्रेट करूं, तो वो कुछ ही देर में आने वाली है, और आने के बाद मैंने कैमरा साइड में लगा दिया। बस उसे यह एहसास दिलाना चाहता हूं कि कोई काम छोटा नहीं होता, और बस उस सरप्राइज के तौर, सरप्राइज की वजह से मैं आज उसे एहसास दिला दूंगा कि पिताजी पिताजी काम कोई छोटा नहीं होता, वो सब कर रहे हैं तुम्हारे लिए, कर रहे हैं अपने बच्चों के लिए कर रहे हैं। कोई नहीं अंकल, अंकल देखिए जहाँ तक आप ये चीज़ बोले ना कि आपकी बेटी के जो है सपने बहुत बड़े हैं, ठीक है, सपने भाई हर लोगों को बड़े रखना चाहिए, बड़ा सही भी है। अभी क्या है ना कि अंकल थोड़ा सा यहाँ पे साथ दीजिएगा मेरा आप, ठीक है, ठीक, क्योंकि उसे थोड़ा सा बताना है, दिखाना है कि भाई गलत क्या है सही क्या है। आज वो शर्म आती है कि भाई वो किसी को बताया कि मेरा बाप क्या है और क्या करते हैं। ठीक है, ठीक है दोस्तों, तो आने दीजिए, उसके बाद जो भी चीज़ है जिस तरीके से भी एक बार एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे, दिखाने की कोशिश करेंगे, और प्लीज़ यहाँ तक अगर देख लियो तो लास्ट तक जरूर देखना है प्लीज़। कौन पहचानो, कौन बताओ कौन, अभी तो तुम्हें पहचानना ना कि कौन। रिया, रिया हैप्पी बर्थडे। ये कहाँ पे लेके आ गए तुम, तुम्हारा बर्थडे प्लान करा इधर मैंने, ये गर्मी में इतनी परेशानी हो रही है, बताओ ना, हवा चल रही है ना, कुछ है ना, बैठने की जगह है कोई अच्छी सी, मैं सोचा यहाँ आपको सरप्राइज दूंगा, ऐसी जगह पे सरप्राइज दोगे तुम मेरे को, और क्या बर्थडे है, बर्थडे सरप्राइज तो कहीं, बर्थडे ऐसी ही ना सरप्राइज, बच्चे तो बर्थडे तो अच्छे रेस्टोरेंट वगैरह में सेलिब्रेट करते हैं, तो रेस्टोरेंट में भी चल लेंगे, मगर मैं सरप्राइज तुम्हें, सरप्राइज से ज्यादा खुशी नहीं कि मैं सरप्राइज दे रहा हूं, सरप्राइज तो खुशी हुई, लेकिन फिर भी तुम्हें पता है ना यार मुझे रेस्टोरेंट वगैरह में ज्यादा अच्छा लगता है, ऐसी जगह पे मैं खुद नहीं जाती। चलो कोई बात नहीं, बैठ जाओ, बैठ के पहले बात कर लेते हैं, फिर चलेंगे रेस्टोरेंट भी चलेंगे, तुम अपना सरप्राइज भी देख लेना। चलो ठीक है, क्या और तुम बताओ कैसे हो? बढ़िया, सब बढ़िया, और बताओ और कैसे हो? 4-5 महीने हो गए हमें रिलेशनशिप में। हाँ वो तो है, 4-5 महीने तो हो गए हमें, तो क्या टाइम आ गया है एक दूसरे के घर वालों को मिलाते हैं, शादी वादी करते हैं? यार क्या शादी शादी लगा रखा है यार तुमने, अभी क्या जल्दी यार शादी करने के, कभी ना कभी तो करनी है ना। हाँ कभी ना कभी करनी है, लेकिन अभी यार 4-5 महीने में हम कितना जानते हैं दूसरे को। चलो ठीक है, शादी नहीं करनी कोई बात नहीं, घर वालों को तो मिलवा दो। तुम्हें पता है यार मेरे पापा का इतना यार बिजी शेड्यूल है, उनके बिजनेस रहते हैं यार, वो कहीं इधर उधर रन करते रहते हैं, वो नहीं होते हैं अच्छे, समझ सकता हूँ। मैं ऐसे ही उनको बोल सकती हूँ कि आप आओ मेरे लिए, आप टाइम निकालो, जब उनके पास टाइम होगा वो खुद ही आते हैं घर पे, वो तुम्हें पता है 2 दिन से वो घर पे भी नहीं आए, अभी जब वो घर पे ही नहीं आते तो मैं कहाँ से तुमसे मिला पाऊँ उनको भी। नहीं समझ सकता हूँ मैं, मगर कभी ना कभी तो, अब मैं भी तो बहुत बड़ी कंपनी में मैनेजर हूँ। नहीं अब तो मैनेजर, मैं भी तो टाइम निकाल के आया हूँ, और एक कंपनी को संभालने में उस चीज़ में बहुत फर्क होता है, कभी ना कभी तो करना पड़ेगा ना ये सब चीजें, समझ सकता हूँ मैं। चलो कोई बात नहीं, तुम्हारा बर्थडे पहले सेलिब्रेट कर लेते, मगर ये है कि मुझे अच्छा नहीं लगा, तुम्हें बहुत टाइम से मैं बोल रहा हूँ तुम टाला मटोली ज्यादा करते हो शादी के लिए। मैं टाला मटोली नहीं करती, अभी तुम्हें पता है, देखो पापा का, मैं तुम्हें कितनी बार बता चुकी हूँ पापा का काम ऐसा है, अब वो जब तक वो फ्री नहीं होंगे मैं उनको नहीं बोल सकती ना। वो हमें नहीं टाइम देते, जब वो हमें नहीं टाइम दे तो मैं कैसे उनको, उनके पास टाइम कहाँ से निकल पाएगा, तो फिर ऐसे कैसे आगे बात बढ़ेगी, फिर आगे भी थोड़ा, अभी हम भी सेट होते हैं लाइफ में, फ्यूचर है अभी हमारा, पहले हम खुद सेटल होते हैं उसके बाद पेरेंट्स को मिलाते हैं। सही बात है, चलो कोई बात नहीं, चलो फिर तुम्हारा बर्थडे सरप्राइज प्लान करते हैं, ठीक है, तो तुम रेडी हो?
सरप्राइज देखने के लिए, मगर मुझे ऐसा लग रहा है तुम खुश नहीं हो यहाँ पर से। यहाँ पे तुम्हें पता, देखो इतनी गर्मी हो रही है, इतना पसीना आ रहा है, बताओ कैसे, इतना कंफर्टेबल भी नहीं है। मुझे लगा कि मैं सोचा आज प्रकृति के साथ तुम्हारा बर्थडे सेलिब्रेट करूँ, सब तुम्हें सरप्राइज दूँ। सरप्राइज देना, लेकिन पता देखो इतनी गर्मी हो रही है, इतनी परेशानी हो रही है, बहुत बहुत परेशानी हो रही है इस जगह पे। अच्छा चलो कोई बात नहीं, मैं पहले तुम्हें सरप्राइज दिखा देता हूँ। हैं, पहले आंखें बंद करो, तुम्हें सरप्राइज जानना है। आंखें चिटिंग तो नहीं करोगी तुम? मैं बंद करता हूँ तुम्हारी आंखें, ठीक है? ठीक है चलो बताओ। तैयार हो? हाँ जी बिल्कुल। हैप्पी बर्थडे टू, कैसा लगा तुम्हें सरप्राइज? बहुत अच्छा लगा मेरे को सरप्राइज। बहुत अच्छा लगा, लो डांस करो फिर तुम भी। अंकल केक काट लेते हैं, केक काट लेते हैं, आ जाओ केक काट लेते हैं, ठीक है? आ जाओ केक काटते हैं। बहुत हंस गया अंकल, पेट में दर्द हो गया हंसते हंसते। आ जाओ लो केक काटो। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू। यार ये तुमने बुला रखा है, ये तो केक ही तो खिला रहे हैं तुम्हें, हटो यहाँ से, मना किया ना, अभी लगाने के लिए समझे नहीं आता कि आपको एक बात क्या लगा रखा है यार, ये सब कुछ बताओ, ऐसे थोड़ी ना होता है यार, कोई भी आके ऐसा लगा देगा सब कुछ, क्या है आपको ये, समझ में नहीं आ रहा कि आपको मना करने के बावजूद आपको समझ में नहीं आ रहा कि मैं नहीं आना पास में, क्या यार ये गली गली लोगों, तुम पास में बुला लेते हो, क्या मतलब? केक ही तो खिला रहे हैं तुम्हें, क्या केक खिला रहे हैं, साथ हाथ पूरे बीच में आ रहे हैं, बताओ ये केक ही तो खिला रहे हैं तुम्हें यार, हटो यार, हटो। क्यों फैला दिया तुमने? क्या है ये सब कुछ? अरे केक ही तो खिलाया था तुम्हें। क्या केक खिलाया यार, वो सारा मेरे ऊपर और लगा दिया उन्होंने, कि क्या मतलब है यार ये? तुम्हें मालूम है वो कौन है? तुमने केक फेंक दिया, उसके ऊपर पानी फेंक दिया, तुम्हें पता है वो कौन है? कोई भी हो चाहे, मुझे क्या मतलब किसी से? वो तुमसे उम्र में इतने बड़े हैं, तुम्हें रिस्पेक्ट करना, उनका जो काम है वो अपना काम कर रहे हैं, तुम्हें केक ही तो खिलाया उन्होंने। थोड़ी ऐसे काम नहीं होता यार जैसे वो काम कर रहे हैं, बताओ गलत बात है ना ये? तुमने केक ही तो खिलाया, केक ही खिला। अरे केक खिलाने का मतलब होता है कि खिलाओ, चेहरे पे लगाने का, पानी बीच में आ रहे हैं, ये क्या क्या मत, क्या तो बर्थडे सेलिब्रेशन ही तो हुआ है। ऐसे गरीब लोग, तुम्हें पता है ये लोग आके खाली पीली छेप होते हैं बेफालतू में, इनका कुछ काम नहीं होता इन लोगों को। तुम जानती हो इनको? तुम जानती हो इनको? मैं नहीं जानती, मुझे क्या मतलब कोई भी हो, कोई ये देखो कौन है।
ये कितनी बड़ी उम्र के हैं। तुम ऐसे इतने बड़े उम्र के लोगों से कैसे तुम्हें कैसे बात करनी है तुम्हें पता नहीं है? क्या हो गया, तुम जानती हो इनको? क्या हो गया?